हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गई हूँ और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हेयर रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत बहुत ही इफेक्टिव होगी, जो आपके बालों को कलर देगी, शाइन देगी, आपके बालों के फ्रिज को दूर करेगी, आपके बालों में जो नेचुरल स्ट्रेटनिंग का जो वर्क होता है वो करेगी, एंड आपके बालों की हेयर ग्रोथ को करेगी। समस्या जब अपने बालों में बढ़ जाती है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, तो उसी सारी समस्या को समाधान लेके मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चम्मच, मतलब एक चम्मच का मतलब बड़ा चम्मच, एक दो जो भी लेना चाहे आपके बालों के हिसाब से शहद लेना है। इसके बाद मैं सारे आपको उसमें दिखाती हूँ, मैंने ये दही लिया हुआ है और दही की जगह मैंने बटर मिल्क लिया हुआ है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच शहद, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिएगा। मेरे बाल लंबे हैं तो मैंने यहाँ पे 3 से चम्मच लिया था और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 केले जो पूरे टोटली पके हुए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फेनुग्रीक सीड्स का पाउडर, जिसको मेथी भी बोलते हैं हम लोग, मेथी का पाउडर, क्योंकि मेथी के पाउडर से जो हेयर ग्रोथ का इशू रहता है और शाइन का भी वर्क करता है, हेयर ग्रोथ को भी आगे बढ़ाता है और शाइनिंग अपने बालों को कर देता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा हिना और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े और कोई भी पार्टिकल्स अगर रह जाते हैं तो आप चाहे तो इसको जो स्टील वाली छन्नी होती है उसे छान सकते हैं। अदरवाइज आपका पैक रेडी हो गया है और आप इसको लगाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले अपने बालों को आपको कॉम कर लेना है अच्छे से, जितने भी आपके बालों की डस्ट धूल मिट्टी जो भी है, आपके बालों पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएँ, जो आपके बालों में चिपके नहीं। और मेरे बालों की लेंथ आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एंड आई एम सो हैप्पी। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या होता है, अगर आपने जब हिना का यूज़ किया तो आपके बालों में शाइन प्रोवाइड कराएगा, आपके एक दो बाल अगर सफ़ेद हो गए हैं तो उनको भी रिकवर कर देता है। एंड मेथी का तो आप सब लोग जानते हैं कि मेथी अपने हेयर ग्रोथ के लिए कितना कितना इफेक्टिव है, और वो साथ में अपने बालों को शाइन भी देती है, अपने बालों को घना मजबूत भी बनाती है। मेथी में बहुत पावर होते हैं, इवन वो हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं हनी के भी। हनी का ये प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि हनी से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हनी से हमारे बाल सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होते। हमारे नेचुरल ब्लीच का उसमें होता है कुछ परसेंटेज, आई थिंक 0 या 1% तो वो हमारे बालों को ब्लीच नहीं कर सकता, वाइट नहीं कर सकता। तो बेझिझक आप अपने बालों में शहद लगा सकते हैं। इसके बाद आप कर्ड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, जो आपके बालों को मॉइस्चर करेगा। आपके बालों में जो अगर रूसी होगी, कोई इचीनेस है या अपने बालों में कोई ड्राइनेस है तो आपके बालों को उससे बचा लेगा। और आपके बालों में जो अगर कोई भी फंगस हो गए, कभी कभी रूसी हो जाती है, वो भी धीरे धीरे करके निकाल देता है। और सेकेंडली, अगर आप अपने बालों में हिना लगाते तो बाल थोड़े बहुत ड्राई सबके हो जाते हैं। अगर आप दही के साथ मिक्स करके लगाते हैं, उसमें एक चम्मच तेल डाल लेते, कोई भी ऑयल जो आप लगाते हैं, तो आपके बालों में कभी भी इतनी ड्राइनेस नहीं आएगी और आप हिना आराम से लगा सकते हैं। तो मैं बालों में इसको अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि जब बाल लंबे होते हैं तो थोड़ा सा अपने हाथ से लगाना टफ होता है, बट इट्स ओके। तो मैं तरीके जो यूज़ करी आज बहुत ही गलत तरीके, अदरवाइज मैं एक बन बना के ही यूज़ करती हूँ, थोड़ा जल्दी में थी। तो देखिए, मैंने अपनी मेहंदी को लगा लिया है और इसको मैं रखूँ, मेहंदी के फेस मास्क है, इसमें आपने सारी चीज़ों को कवर करा है, आपके बालों को शाइन देगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, आपके बालों को कलर देगा, आपके बाल सफ़ेद हो गए, ब्लैक तो नहीं करेगा बट डार्क ब्राउन कर देगा। 2 घंटे बाद मैं इसको धुलने के बाद मैं आपको अपनी हेयर दिखाई, देखी कि शाइन है, मतलब लेंथ देखी आप मेरे बालों की और हेल्दीनेस देखी मेरे बालों की। तो ये मैंने धुल लिया था, इसके बाद ये टोटली ड्राई हो चुके हैं यार, और देखिए मेरे बाल। अब मैं आपको यहाँ बोलूँ, स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि एकदम स्ट्रेट नहीं होंगे, देखिए जो सच्चाई है वो आपको मेरे बालों में दिख रही है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। बाय बाय।